नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ सपना मद्देशिया। शीतलहरी व सर्द हवाओं से कड़कती ठंड को देखते हुए एम्स अस्पताल परिसर नई दिल्ली में सैल्यूट तिरंगा द्वारा शनिवार को ठंड से ठिठुरते गरीब असहाय निर्धन लोगों के बीच संस्था की उत्तर प्रदेश महिला अध्यक्षा डॉक्टर विनीता त्यागी के सहयोग से अस्पताल परिसर में जरूरतमंद लोगों के बीच पहुंचकर कंबल वितरण किया। ठंड से कपकपा रहे लोगों को जब अचानक कंबल मिला तो ये लोग कंबल पाकर खुश हो गए और लाभार्थी ने शीतलहर की इस रात में उनका हालचाल देखने आए व कंबल देकर मदद करने पर वे लोग थोड़ी देर के लिए भावुक हो गए और सैल्यूट तिरंगा के इस पहल की सराहना की। जी, आज हम लोग माननीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का, जैसा कि सभी जानते हैं कि आज जन्म दिवस है, और उनसे प्रेरणा लेकर और जो हमारी संस्कृति रही है, अतिथि देवो भव वसुधैव कुटुंबकम, जियो और जीने दो, इसी भाव को लेकर सेवा परम धर्म, इसी भाव को लेकर हमारा संगठन लगातार कार्य करता रहा है। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग एम्स के पास एकत्रित हुए हैं और कंबल वितरण करने का जो कार्य है, मुझे लगता है कि इस कड़कड़ाती ठंड में अगर हम थोड़ा भी किसी के लिए सहारा बन सकें तो शायद हमारा सौभाग्य होगा। और उन सभी लोगों को जिन्होंने हमारे भेंट को स्वीकार किया है, मैं हृदय की गहराइयों से उनका भी आभार व्यक्त करती हूँ कि एक छोटा सा भेंट जो कि कुछ भी नहीं है, एक छोटा सा कपड़ा का टुकड़ा है, पर उन्होंने हृदय से स्वीकार किया है, मेरा दिल से आभार है। और हमारा संगठन लगातार ऐसे कार्य करता रहेगा, हम ऐसी आप सभी को वचन देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। Jungle.